दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर पेपर था जो 2022 में प्रश्न आया था उसी का यह रियल पेपर है, ठीक है। और इसलिए आपको हम बता रहे हैं इस पेपर को क्योंकि इस प्रीवियस पेपर से हमेशा प्रश्न मिलता जुलता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पेपर को हम बताने जा रहे हैं कि पेपर कैसा आया था, पेपर का क्वेश्चन कैसा था, उसका लेवल कैसा था, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पेपर पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया था, ठीक है। देखिए 2022 का है सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, देखिए सबसे पहले देखिए पेपर जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है, और टोटल मार्क कितना होता है 70 नंबर का पूर्णांक होता है इसका, ठीक है। अब आइए प्रश्न देखते हैं क्या क्या आता है, पहले इसको देख लीजिए सर, इसमें देख लीजिए आप लोग पहले निर्देश क्या क्या देता है। देखिए यह प्रश्न पत्र दो खंडों क एवं ख में विभाजित है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों एक साथ हल करना आवश्यक है, ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, पर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जो भी प्रश्न दिया है उसके सामने ही उसका अंक भी दे दिया है कि कितना, मतलब कितना नंबर का है ये, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में चार विकल्प मतलब चार प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है व दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है, जिनके संबंध में निर्देश आरंभ दिए गए हैं। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि क तथा खंड ख में हेतु मतलब दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पांचवा क्या कह रहा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका निर्देश। अब देखिए हम आते हैं खंड क में, ठीक है, जो पार्ट एक है बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहले जो था मतलब उसमें OMR नहीं रहता था, लेकिन अब जो 20 नंबर का टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको OMR शीट पर भरा जा रहा है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एक OMR मिलेगा, उसमें आप लोग को जो 20 नंबर का विकल्पी वाला प्रश्न आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, उसको आप लोग को उसमें जो मान लीजिए आपका प्रश्न है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, प्रश्न नंबर एक, उसमें भी दिया रहेगा मतलब ABCD दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए उसमें आपका प्रश्न पत्र में 20 मतलब सही है, खंड मतलब मान के चलिए ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश था, तो जर्मनी से था, ठीक है, तो प्रश्न में रहेगा जर्मनी, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें बी दिया है, तो आप लोग को प्रश्न नंबर एक के सामने बी को क्या करना है, गोला करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, टोटल 70 नंबर का ही पूछेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग को लिखना पड़ता था, लेकिन अब लिखना नहीं है, उसमें 20 नंबर का OMR आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा देखते हैं और ध्यान में लेकर चलेगा आप लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिलता जुलता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझते चलिए, ठीक है। देखिए हम आप प्रश्नों को ही सिर्फ बताएंगे, देखिए क्या कह रहे हैं, पहला क्या है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ठीक है, ख यानी जर्मनी से था, ठीक है, इसका किससे था, जर्मनी से था, चार ऑप्शन दिया, इटली फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन, मतलब जो सही है उस पर हम टिक लगा देंगे। और देखिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है, तो कौन थे, इसमें था विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलहेम प्रथम, फ्रेडरिक विलहेम चतुर्थ, ठीक है, तो इसका मतलब जो उत्तर है क है, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, पहला ए रहेगा, उसमें ए को ठीक लगाकर फिर OMR में आपको गोला कर देना है, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नहीं तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, जो मतलब 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो कैसा राज्य था, असीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, ठीक है, तो इसमें से कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, यह कैसा राज्य था, असीमित राजतंत्र था, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चार पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया है, ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी रूस, तो इसमें कौन था, जर्मनी था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को बस पढ़े रहेंगे, तो अगर पूछ देगा तो आप लोग तुरंत उसका उत्तर दे देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है, देखिए श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा मतलब वर्ग रहता है, तो जिसमें देखिए तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, सिंगली, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब आइए प्रश्न नंबर छः पे, प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है, ठीक है, मतलब कि राज्य नहीं है, क
कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इसमें से कौन है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, बाकी सारे राज्य हैं। अब देखिए प्रश्न, अभी मेरा क्या होगा, पहले पार्ट का मतलब अविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर का पूछता है वो खत्म हो गया, लेकिन इस बार 20 नंबर का पूछेगा आपको सब मिक्स करके, ठीक है। अब देखिए इसका तो लोकोत्तरीय प्रश्न क्या है, पहला सातवां प्रश्न क्या है, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के दो कारण लिखिए, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, इसका हम वीडियो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग टारगेट 95+ पे जाएंगे, इसको सर्च करेंगे तो आपका आपको इसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक शासन के कोई दो लाभ बताइए, ठीक है। ये सब अति लोकोत्तरीय, छोटा छोटा लिखना रहता है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। इसको देखिए तीसरा क्या कह रहा है, निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये आपका था अति लघुत्तरीय, 3 प्रश्न था, ठीक है। अगर आप लोग को मान लीजिए इसका सोल्यूशन पूरा चाहिए इस पूरे पेपर का, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करिएगा, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इस सारा जो भी हम इसमें दिया है उसका सारा हम आप लोग को उसका उत्तर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दिला देंगे आप लोग को, ठीक है, कमेंट करेंगे तब अधिक से अधिक, ठीक है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया, देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, नहीं तो अगर ये तो पक्का है कि इसमें जरूर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप लोग नहीं इसको कर पाते तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका मतलब जो सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब देखिए, या अथवा इसको करना, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है, 3 नंबर में इसमें या इसमें से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आइए अपने 11वें प्रश्न पे, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लीजिए, ये उसी का इंग्लिश में दिया है, और 11वां प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्यक्तिगत व्यक्ति की गरिमा की अभिवृत्ति के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया 11वां प्रश्न, या अथवा में आपको ये करना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है, या तो 11वां में इसको करिए या तो अथवा इसको करिए, दोनों में से आपको एक करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आइए अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कैसा आता है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर। 12वां प्रश्न है, देखिए क्या करें, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब कितना नंबर है, डेढ़ डेढ़ तीन 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 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा आपको, ठीक है, मतलब एक प्रश्न करेंगे आप तो उसको आपको 6 नंबर मिलेगा। देखिए असहयोग आंदोलन हम अपने वीडियो में मतलब इस प्रश्न का उत्तर हमने डाला है, आप लोग जाके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अथवा दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, या तो आप 12वां में से इसको करिए या तो अथवा इसको करिए, आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आइए अपने 13वें प्रश्न पे, देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या तो आप लोग इसको करिए अथवा आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको इनमें से 2 करेंगे तो इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है, तो टोटल आपका 12 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 ही प्रश्न करना है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग कोई नहीं पढ़ पाते तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, इसका हम उत्तर जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 1/2 अंक निर्धारित, यानी 1 नंबर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग का इसमें है प्रश्न नंबर 14, देखिए इसका हम सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे नक्शे के साथ, ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम प्रश्न बता रहे हैं, अगले वीडियो में जरूर इन सब नक्शे वाला प्रश्न को हम जरूर हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए 14वां का पहला क्या करें, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, इसको नक्शे में चिन्ह द्वारा दर्शाना भी है और क्या करना है उसके स्थान को लिखना भी है, कॉपी में भी लिखना है नक्शे में भी लिखना है, ठीक है, तब जाके आपको 1 नंबर की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसके पहले वाले मतलब वीडियो में हमने एक नक्शा के बारे में बताया था, आप लोग उस नक्शे को जरूर देखिएगा, आप लोग को भरना एकदम आसान हो जाएगा, तो आप लोग कैसे भरा जाएगा कैसे लिखा जाएगा हम सब लिख के उसमें बताए हैं, तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, दूसरा प्रश्न है, आपको लिखना भी है उस चिन्ह को दर्शाना भी है, इसको कॉपी में भी लिखना पड़ता है।
ठीक है। तीसरा क्या करें, वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था, ये भी एक प्रश्न है। वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। फिर देखिए पांचवा क्या, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सारे मतलब 5 नंबर के हैं, एक एक प्रश्न, यानी नक्शा में आपको बूंदी लाकर दिखाना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और कॉपी में भी इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था 14वां प्रश्न। अब आ गया है दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए, मतलब जो देख नहीं सकते हैं। देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, इसको आपको नहीं करना है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित बच्चे करेंगे, ठीक है। तो उनका देखिए, उनका ये प्रश्न है, वो क्या करना है इसमें, वर्ष 1927 में कांग्रेस अपना अधिवेशन कहाँ किया था, यही वाला प्रश्न है सारा। इसको वहाँ क्या करना है, देखिए उन सबको निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। उन लोगों को क्या करना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, बस उनको कॉपी में लिखना है, लेकिन आप लोग को उसमें नक्शे में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है इसका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, देखिए अब आ गया खंड ब, ठीक है। खंड ब देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें भी है। अब इसमें तो आप लोग को खंड अ का 6 प्रश्न अलग है, बहुविकल्पीय खंड ब का अलग है, लेकिन आप लोग को जब इस साल का जो पेपर मतलब नया सिरे का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें 20 नंबर आप लोग को सिरते से दे देगा, और आप लोग को उसका उत्तर मतलब टिक करके आप लोग को MR में भर देना है। फिर बाकी जो प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, आप लोग को कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब इसको भी देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो इसका देखिए, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अधिक सिंचाई, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, इसको पढ़े चलिए। फिर अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, देखिए निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो क्या नहीं है, बागान, चारागाह, भूमि, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो खनिज संसाधन ये सबसे अलग है, ठीक है। ये सारे मिल रहे हैं, बागान, चारागाह, भूमि, लेकिन ये अलग रहा है। अब आगे नेक्स्ट आइए, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो कपास की खेती के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी, ठीक है। चार ऑप्शन दिया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आइए, 18वां प्रश्न क्या है मेरा, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। अब देखिए हेमेटाइट का संबंध किससे है, यानी कि लौह अयस्क से, ठीक है। चार ऑप्शन दिया, तांबा, बॉक्साइट, लोहा, सोना, लौह अयस्क। तो इसमें से जो सही उत्तर है आप लोग उसको टिक करिएगा और OMR में भर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। 125वां, 124वां, 129वां, 130वां, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए दिया है 20वां प्रश्न, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, ठीक है। जो एक मार्ग रहता है ना, जो हम लोग सामान खरीदते हैं पैकेट पे, तो क्या दिखाता है, उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, किस पे दिखाता है, खाद्य पदार्थ पे, ठीक है। अब आपका एक खत्म हो गया, मतलब लघु क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आ जाइए आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ठीक है। खंड ब का अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए खनिज क्या है, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, खनिज क्या है, तो आप लोग जानेंगे खनिज क्या है तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर 22वां प्रश्न क्या है, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो आप क्या करना, देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो भी रहेगा उसका उत्तर आप लोग एक लाइन में दे दीजिएगा, तो उत्तीय प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न है आप लोग को, ठीक है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, 23वां, खरीफ फसलों के कोई दो उदाहरण दीजिए, जो खरीफ के फसल मतलब कौन सा खरीफ का फसल आता है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है, खरीफ के फसल है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए 24वां क्या कह रहा है, देखिए इसमें से जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें आपको तीन, एक तो तीन, तीन ही प्रश्न करना रहता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। अब आ गया आप लोग का लघु उत्तरी प्रश्न, जो आप लोग को तीन तीन नंबर में दो प्रश्न करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, कोई 3 कारण बताइए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हमने अपने वीडियो में बनाया है, मतलब Target 95+ में, आप लोग सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न जरूर मिलेगा इससे, मान के चलिए कि 100% है, तो इसमें से 50% से ऊपर ही आप प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा लेकिन सटीक ही प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा पढ़ते रहेगा, क्योंकि अधिकतर प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। अब देखिए दूसरा उसमें, अथवा क्या है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके दो उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। अब अभ्रक की उपयोगिता बताइए, इसके दो राज्य कौन से, किस राज्य में सबसे ज्यादा उसका उत्पादक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जानेंगे तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका आ जाइए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए, नहीं 24वां नहीं 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए, ठीक है।
25वां प्रश्न है, अथवा आपको ये करना है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, तो 25वां प्रश्न आपको या तो इसको आता है ये करिए, या तो इसको आता है ये करिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जो आपको 6 नंबर दिला गया, 2 प्रश्न करना है, यानी 12 नंबर का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, खंड ख का है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड ख का 26वां प्रश्न क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है समझाइए। ठीक है, अब किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा ध्यान से और इस उत्तर पर जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। फिर अथवा क्या करें, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को में से एक करना है, आप लोग को 6 नंबर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, व्याख्या कीजिए। 27वां प्रश्न था आपका। अथवा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। तो इन दोनों में से आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 12 नंबर में पूछा जाता है, खंड क से भी 12 नंबर का आता है, खंड ख से भी 12। अब आ जाइए फिर से मानचित्रकार, मानचित्रकार फिर से आ गया। ठीक है, मैप वर्क, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब इस प्रश्न में जो होता है, सिर्फ आपको दर्शाना रहता है, इसको कॉपी में लिखना रहता है, दर्शा के बस नक्शे में उसी का उस नाम लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो जैसे 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, टिहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, नाम सही दर्शाइए। तो क्या करना है, नक्शा मिलेगा आप लोग को, और नक्शे में टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप लोग इस चिन्ह को दिखा के और ऊपर यहाँ से लिख देंगे कि टिहरी बांध, तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर 28वां का दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र जो इस मतलब आकार में चिन्ह द्वारा सही दर्शाना है, तो अभ्रक वाला जो जहाँ अभ्रक की उत्पादन होता है, वहां पर इस चिन्ह को दर्शा के उस राज्य में उस राज्य का नाम लिख देना है, बस 1 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। फिर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, ठीक है, इस मतलब इस चिन्ह द्वारा नाम द्वारा सही दर्शाइए। तो अब देखिए आणविक ऊर्जा कहाँ है, वहां पर मान लीजिए किसी राज्य में, उस राज्य में इसे चिन्ह बनाकर उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा, आप लोग का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो हम बनाकर आप लोग को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्या, ताप्ती नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है, तो वहां पर भी आप लोग को दर्शाना पड़ेगा इस चिन्ह को। ठीक है, और फिर 5वां प्रश्न क्या है, प्रयाग राजनगर को इस चिन्ह द्वारा समझा, प्रयागराज कहाँ है आप लोग को खुद पता है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे चिन्ह बनाकर इसको 1 नंबर में है, तो हम नक्शा वाला काम, जो नक्शा वाला कार्य है, इसको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, इसको हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो इसको हम बनाकर आप लोग को फिर से इसका सलूशन दे देंगे। ठीक है, बाकी आप देखिए, एक केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ठीक है, इसको आप लोग को यही प्रश्न नक्शे में बनाना है, लेकिन इन जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इनको सिर्फ इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस पेपर का सोल्यूशन पूरा चाहिएगा, तो प्लीज आप अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। ठीक है, जिससे हम इसको पूरे मतलब इस पूरे प्रश्न का उत्तर हम बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।